तो हाँ, अभी कुछ दिनों से टेलीकॉम ऑपरेटर इंडस्ट्रीज है इसमें बहुत कुछ घटा। जैसे जियो ने शुरू में फ्री में इंटरनेट सर्विस और कॉलिंग सर्विस और स्ट्रीमिंग सर्विसेज वो सब फ्री में दी थी। तो इन सब के बाद बहुत कुछ हुआ। क्या क्या हुआ देखिए, जियो ने जब अपनी फ्री सर्विसेज दी थी वो देना हर किसी के बस की बात नहीं थी, हर ऑपरेटर के बस की बात नहीं थी। फिर बाद में जब जियो ने अपना फ्री वाला प्लान खत्म करके कुछ अच्छे से रिलायबल प्लान्स दिए, जो 84 डेज वाले 28 डेज वाले जो वो जियो ने दिए, तो पीयर प्रेशर में आके बाकी सारे ऑपरेटर्स ने बाकी सारी कंपनीज ने भी स्टार्ट कर दिए सेम प्लान्स देने, सेम नहीं सिमिलर प्लान्स देने। उससे क्या हुआ कि सारे जो ऑपरेटर्स हैं उन सबको 6 पैसे पर मिनट पे करना पड़ता था ट्राई को, अगर उस ऑपरेटर का यूज़र किसी और ऑपरेटर के यूज़र को कॉल करता है। तो अब क्या होने लगा, पीयर प्रेशर में आके बाकी सारी कंपनीज ने जियो की सर्विसेज कॉपी करनी स्टार्ट की, लेकिन जियो अफोर्ड करता था कि वो अपनी जेब से 6 पैसे पर मिनट हर यूज़र का भर सके। उसने बहुत टाइम तक भरा भी, पीयर प्रेशर में आके फिर वही बाकी सारी कंपनीज ने भी स्टार्ट किया, वो हमारा खर्चा उठाने लगी 6 पैसे पर मिनट वाला। लेकिन अब क्या हुआ, अब कंपनीज लॉस में जाने लग गई, और ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं इनका लॉस कोई छोटा मोटा नहीं होता, वो मिलियंस बिलियंस में लॉस जाता है तो वो कोई भी अफोर्ड नहीं करता। जियो ने शुरू में ऐसा अफोर्ड इसलिए किया था क्योंकि उसके पास खुद की ऑप्टिकल फाइबर केबल इंस्टॉल करवाई थी जियो ने, तो हमारे लिए 6 पैसे पर मिनट देना अफोर्ड करता था, और खुद फ्री इंटरनेट भी जियो ने इसलिए बांटा था क्योंकि उसकी खुद की ऑप्टिकल फाइबर केबल्स थी। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स क्या होते हैं, जिससे इंटरनेट चलाना हम सबके लिए पॉसिबल होता है, जिससे नेटवर्क प्रोवाइडर हमें इंटरनेट प्रोवाइड करा पाते हैं। तो अभी तक सारे ऑपरेटर्स हमारा खर्चा उठा रहे थे और शायद आगे भी उठा लेते अगर हम लोग ओवर यूज या मिस यूज ना करते इनके नेटवर्क का। बहुत लोग ऐसे होते थे जो कॉलिंग स्टार्ट करके छोड़ देते थे, इससे बचने के लिए ऑपरेटर्स ने क्या किया कि 1-1.5 घंटे बाद कॉल अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाए, लेकिन उससे भी कुछ काम नहीं बना, लोग फिर भी फायदा उठाते रहे। तो अब कंपनीज बहुत ज्यादा लॉस में जाने लग गई और कंपनीज को ये स्टेप उठाना पड़ा कि अब वो हमसे वो पैसे वसूल करे 6 पैसे पर मिनट FUP वाले। FUP क्या है, फेयर यूजेज पॉलिसी, जो कि गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है सारे ऑपरेटर्स को अगर वो किसी राइवल ऑपरेटर को कॉल करते हैं। तो कल क्या हुआ, 3 दिसंबर की शाम को बाकी सारी कंपनीज एयरटेल वोडाफोन आइडिया ने भी अपने नए प्लान्स लॉन्च किए, जो कि 40-50% ज़्यादा थे बाकी सारे पहले वाले प्लान से। तो जो नए प्लान्स एयरटेल आइडिया वोडाफोन ने कल लॉन्च किए वो आपके डिस्प्ले पर है। सो देख लीजिए कितना ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ। पहले जहाँ पे हमें 2 GB पर डे के लिए कुछ शायद 449 रुपये पे करने पड़ते थे, अब वो 698 हो गया एक साथ ही। कहाँ 450 रुपये से सीधे 700 रुपये पे करने पड़ेंगे हम 2 GB पर डे के लिए। और वहीं पे क्या होता था, 3 GB पर डे वाले पैक्स भी थे वो सस्ते थे, कुछ 600 रुपये के आसपास पड़ते थे शायद पहले, लेकिन अब कितने के हो गए, अब तो अब दिखाया भी नहीं जा रहा। अभी तक उन्होंने 3 GB पर डे वाला लॉन्च नहीं किया, अब देखते हैं जब आएगा तो शायद वो भी 800-900 रुपये तक को क्रॉस कर जाएगा। सो उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बाकी जो सबसे ऊपर वाले प्लान्स आपको दिख रहे हैं, आपकी वैलिडिटी आपके जो सिम को ऑन रखने के लिए पर मंथ आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे अगर आप बड़े रिचार्ज नहीं कराते हैं तो हाँ, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि इन सब कंपनियों ने हमें ठगा है या फिर फंसाया है या फिर फैला फुसला के हमसे अब ये इतने पैसे लूट रहे हैं ऐसा कुछ है, तो प्लीज़ ये सब ख्याल अपने मन से निकाल दीजिए। क्योंकि अगर कंपनीज ने ये सब चीज़ें नहीं सोची होती, ये सब चीज़ें नहीं की होती, फ्री में इंटरनेट नहीं दिया होता, इतने रिलायबल प्लान्स नहीं दिए होते, तो आज शायद इंडिया डिजिटल नहीं हो पाता। इंडिया कितना डिजिटल हो गया आज के टाइम में, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह सब जगह एक्सेप्ट होने लग गई है, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, और सबसे मेजर थिंग कि 4G जब नई जनरेशन का इंटरनेट आया था वो कितना सस्ता हो गया था इसके कारण, तो शायद आगे आने वाला 5G भी बहुत सस्ता हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता शायद 5G के तो बहुत ज़्यादा ही पैसे लिए होते हमसे ऑपरेटर्स ने। और बात करें BSNL की, तो BSNL की अपनी खुद की अलग दुनिया है, उसे कोई मतलब नहीं है। वो अपना फिर भी 250 मिनट्स पर डे वाला प्लान कंटिन्यू रखे हुए है, और वो बहुत सही चीज़ है कॉलिंग के लिए तो ठीक है, बाकी इंटरनेट BSNL के अंदर 4G नहीं है तो वो थोड़ा रिलायबल नहीं है इंटरनेट उसका। BSNL सिर्फ हमें 3G प्रोवाइड करता है तो वो सही नहीं है इंटरनेट के लिए, BSNL अच्छी नहीं है, कॉलिंग के लिए फिर भी ठीक है। और अगर इन कंपनीज ने ये सब चीज़ें नहीं की होती तो शायद जो 5G आने वाला है अगले साल या फिर उससे अगले साल 5G आने वाला है उसको शायद और भी टाइम लग जाता। और आजकल जो मोबाइल फोन इतने ज़्यादा बिक रहे हैं, AI वगैरह आ गई, YouTube है, YouTube अचानक से कितना ज़्यादा ग्रो करने लग गया, सारी ऑनलाइन कंपनीज कितनी ग्रो करने लग गई, वो सब इसीलिए क्योंकि हमारा इंडिया डिजिटल हो गया। और डिजिटल क्यों हुआ है, सिर्फ ऑपरेटर्स की वजह से, ऑपरेटर्स ने जो ये सियासी दाव पेच लगाए थे उनकी वजह से हमें फ़ायदा हुआ, एटलीस्ट हमें फ़ायदा हुआ, हम ही यूज़र्स हैं, हम ही अल्टीमेट है उनके लिए, तो हमें ही फ़ायदा होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए सिर्फ इतना ही, जय हिंद।